गाइस वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ माइनिंग एग्जाम्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेके। ये पार्ट नंबर 24 है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइनिंग सरदार, ओवरमैन, फोरमैन, माइनिंग मेट, ब्लास्टर या फिर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं माइनिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। कोई भी डाउट होता है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्री में तो मॉक टेस्ट मैं प्रोवाइड करा ही रहा हूँ पर डे 30 questions के मॉक टेस्ट, ठीक है। तो आप आइए, वहाँ पर जाइए, ज्वाइन करिए। स्टोर सेक्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप कोई भी, है ना, स्टोर सेक्शन में जाके। बहुत से लोग पूछ रहे हो यार बार बार के, सर दिख ही नहीं रहा यार। स्टोर से ऐप को डाउनलोड करो, लॉगिन करो, पेरेंट आईडी से लॉगिन मत करना, नॉर्मल स्टूडेंट आईडी से, है ना। और फिर वहाँ पे आप किस में जाओगे, स्टोर सेक्शन में जाओगे। स्टोर में जैसे ही जाओगे तो पूरे कोर्सेज की लिस्ट खुल जाएगी। जिस भी कोर्स में जाके जाना करना हो कर लो अपना, है ना। फ्री लेक्चर, फ्री में आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा वहाँ पे, फ्री कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, When a machine is required to work on gradient exceeding dash, an effective contrivance to prevent the machine running back shall be provided and used. ठीक है, सिंपल सी बात ये बोलता है कि अगर मशीन कोई भी ग्रेडियंट पे काम करती है तो उस केस में मशीन के पीछे हमें एक इफेक्टिव कॉन्ट्रिवेंस, मतलब कि उस मशीन को पीछे लुढ़कने से रोकने के लिए एक कोई भी चीज़ लगा देना है, ठीक है। तो वो कितने से ज़्यादा ग्रेडियंट होने पर हम ये चीज़ें लगाते हैं, ठीक है, ताकि मशीन पीछे की तरफ ना लुढ़के। 1:3 से ज़्यादा का ग्रेडियंट होने पर, या फिर 1:4 से ज़्यादा का ग्रेडियंट होने पर, या फिर 1:5 से ज़्यादा ग्रेडियंट होने पर, या फिर 1:7 से ज़्यादा ग्रेडियंट होने पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1:4 से ज़्यादा ग्रेडियंट होने पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि बोलता है एवरी प्लान शैल शो स्केल ऑफ द प्लान एट लीस्ट डैश लॉन्ग। सिंपल सी बात यही बोलता है कि हर एक प्लान के जो स्केल बनाया जाता है तो वो स्केल की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर लंबाई कम से कम होनी चाहिए स्केल की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि ये बोलता है एवरी प्लान इन द माइनिंग अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बी ऑन अ स्केल हैविंग आरएफ ऑफ। यही पूछ रहा है कि प्लान का आरएफ क्या होना चाहिए, जो स्केल बनाया गया है, है ना। अगर कोई प्लान बनाया जा रहा है तो उसमें इसमें जो स्केल बना है उस स्केल का आरएफ कितना होना चाहिए हर एक प्लान का, 2000:1 का, 1200:1 का, 2400:1 का, या फिर 1500:1 का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है 2000:1 का जो है, तो आरएफ हम लेते हैं हर एक प्लान के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि ये बोलता है एन अंडरग्राउंड प्लान शोइंग एवरी इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर विद इन द बाउंड्रीज सच एज रेलवे एक्सेट्रा विच इज विद इन डैश ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्किंग्स मेजर्ड इन द ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अरे यार इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गई लगता है यार। चलो ठीक है, सिंपल सी, इसमें ये बोलता है कि अगर कोई अंडरग्राउंड प्लान है तो उसमें सरफेस फीचर्स जो शो किए जा रहे हैं तो माइन बाउंड्री से कितने, मतलब कि वर्किंग से कितने मीटर की दूरी पर मेजर करने पर हर एक सरफेस फीचर आपको दिखाने हैं जो कि माइन बाउंड्री से इतने मीटर की दूरी पर हैं, 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर या 200 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200 मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि बोलता है एन अंडरग्राउंड प्लान वेयर अ सीम हैज एन एवरेज इंक्लिनेशन ऑफ मोर देन डैश फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेक्शन ऑफ द माइन और शैल बी शोन। इसमें ये बोलता है कि अगर कोई अंडरग्राउंड प्लान बनाया जा रहा है, ठीक है, अंडरग्राउंड प्लान पहले से है, अब कहीं पर ऐसा हुआ कि सीम का जो इंक्लिनेशन है, सिंपल ये पूछ रहा है कि सीम का इंक्लिनेशन कितने से ज़्यादा होने पर वर्टिकल सेक्शन माइन प्लान बनाना जरूरी हो जाता है, 15 डिग्री से ज़्यादा होने पर, 30 डिग्री से ज़्यादा होने पर, 45 डिग्री से ज़्यादा होने पर, या फिर 60 डिग्री से ज़्यादा होने पर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइन अगर सीम है आपकी तो उस केस में आपको वर्टिकल सेक्शन प्लान बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगला आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो यूपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर का कोर्स लॉन्च हो चुका है, लाइव क्लास 15 जून से चालू है, कोर्स का प्राइस 3500 रुपये है, फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को 30% का ऑफ मिल गया है, मिल रहा है। अब वीडियो तो मैं पहले ही रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ, ठीक है। आप कूपन कोड जो यूज़ कर सकते हो, अगर आप फर्स्ट 10 में आ जाओगे तो अच्छी बात है, कूपन कोड वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है, फर्स्ट 10 का कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मुझे मैंने दे दिया है, ये वाला मेरा है और ये वाला बलराम सर का है, ठीक है। तो किसी को भी कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल्स कोर्स की ले सकते हो, ठीक है।
डिस्काउंट आपके लिए पर्याप्त अवेलेबल है, ठीक है। मुझे भी पता है आप लोग स्टूडेंट्स हो यार, सब कोई तैयारी कर रहा है, सब बेरोजगार है, कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं, है ना। तो सबको कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। कोशिश करो यूपीएससी निकालो, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम ये वाला निकालो, माइनिंग इंस्पेक्टर करो, फिर देखो आपके जलवे कैसे होंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें ये बोलता है द आरएफ ऑफ जियोलॉजिकल प्लान इज, जियोलॉजिकल प्लान का आरएफ कितना होता है, 2000:1 का, 1200:1 का, 2400:1 का, या फिर 5000:1 का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5000:1 का आरएफ होता है जियोलॉजिकल प्लान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें ये बोलता है कंबाइंड प्लान शैल बी मेंटेन्ड ऑफ ऑल सीम्स व्हिच आर लाइंग विद इन डैश ऑफ ईच अदर एंड वर्किंग्स इन डिफरेंट सीम्स और सेक्शंस शैल बी शोन इन डिफरेंट कलर्स। कंबाइंड प्लान मतलब सीम्स की, दो सीम्स के बीच की दूरी कितने मीटर से कम होने पर कंबाइंड प्लान बनाया जाता है, 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 मीटर से कम होने पर आपको कंबाइंड प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्या बोलता है द प्लान्स मेंटेन्ड शैल शो सरफेस कंट्रोल लाइंस ड्रॉन एट वर्टिकल इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग डैश। जितने भी प्लान्स बनाए जाते हैं उन सभी प्लान्स में सरफेस कंट्रोल लाइंस शो करने होते हैं, ठीक है। अब ये कंट्रोल लाइंस के बीच का जो इंटरवल होता है, दो कंट्रोल लाइंस के बीच का जो इंटरवल होता है वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 मीटर, 3 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 मीटर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि ये बोलता है द स्पॉट लेवल्स इन द प्लांट्स शैल एट पॉइंट्स नॉट मोर देन डैश अपार्ट। प्लांट्स में जो स्पॉट लेवल्स होते हैं तो दो स्पॉट लेवल्स के बीच की दूरी इतने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 100 मीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए, 150 मीटर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 200 मीटर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या फिर 300 मीटर ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 150 मीटर से ज्यादा का दूरी नहीं होना चाहिए, दो स्पॉट लेवल्स के बीच की जो दूरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कि ये बोलता है द प्लांट्स रिक्वायर्ड टू शो ऑल फीचर्स बोथ अबव एंड बिलो ग्राउंड ऑफ ऑल एडजेसेंट माइंस आर एज आर सिचुएटेड विद इन डैश। तो ये बोलता है कि सरफेस फीचर्स शो करने, ठीक है, चाहे वो अबव ग्राउंड हो चाहे वो बिलो ग्राउंड हो, है ना, माइंस से बगल वाली माइंस का, ठीक है, बगल वाली माइंस के हर एक फीचर्स को आपको शो करना है, चाहे अबव ग्राउंड हो चाहे बिलो ग्राउंड हो, हर एक फीचर्स को आपको शो करना है। कब, अगर वो एडजेसेंट माइंस आपकी माइंस से इतने मीटर के भीतर है तो कितने मीटर के भीतर होने पर, 30 मीटर, 60 मीटर, 75 मीटर या 100 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगर बगल वाली माइंस आपके माइंस से 60 मीटर के भीतर है तो उस केस में आपको उस बगल वाली माइंस का पूरे का पूरे सरफेस फीचर हो चाहे अबव ग्राउंड चाहे बिलो ग्राउंड जो भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स आपको दिखाने पड़ेंगे, कहाँ क्या वर्किंग है, कैसे क्या काम चल रहा है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।